मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। यूपी के हमीरपुर जिले में आज फिर रुबेला टीकाकरण बच्चों की चाल पर भारी पड़ गया, जहां एक स्कूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रुबेला टीकाकरण करने से आधा दर्जन बच्चे एकाएक बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके में पहुंचे परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्कूल में दम से हंगामा कर दिया। किसी तरह बच्चों को होश में आने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया और दो बच्चों की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें आनंद फानंद में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला हमीरपुर जिला मुख्यालय में स्थित आर्य समाज मंदिर स्कूल का, जहां आज स्वास्थ्य के कर्मी सुबह में 1 साल से 10 साल तक के बच्चों को रुबेला टीकाकरण अभियान के तहत टीका लगाने के लिए अभियान के तहत पहुंचे, जहां कुछ लोगों को रुबेला से बचाव के इंजेक्शन लगाए गए, तभी आधा दर्जन बच्चों की हालत करने लगी और बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर परिजनों ने पहुंचकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी आनंद फानंद बच्चों को होश में लाने की कोशिश करते हुए 4 बच्चों को स्वस्थ घर भेज दिया, लेकिन 2 बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया। वहीं इस घटना में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गयी। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? कितनी देर से दर्द हो रहा है आपको? आपको क्या तकलीफें हो रही हैं? आपको उल्टी आती है। ये कब से आ रही हैं आपको उल्टी? थोड़ी देर पहले। जब आपका इंजेक्शन लग चुका उसके बाद से? कहाँ पर हैं आप? कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं आप? बच्चों को टीकाकरण हुआ है, आजकल मीजल्स रूबेला का जो गवर्नमेंट टीकाकरण करा रही है, उसमें अगर कोई बच्चा मान ली पहले से बीमार चल रहा है या कमज़ोर है तो उसको कभी कभी वैक्सीन कराते हैं या फिर उल्टी होने लगती है। तो वैसे तो कोई खास बात नहीं है, मेरे ख्याल से जो वैक्सीन है उसका प्रिजर्वेटिव में थोड़ा कुछ कमी है, इसकी वजह से परेशानी हो रही है। अगर भाई वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। हमीरपुर जिले से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट।